कि कैसा इलेक्शन होना चाहे, अभी जो माहौल है कैसा लग रहा है आपको, तो क्या होना चाहे इलेक्शन में? सबसे पहले मैं न्यूज चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने बोलने का मौका दिया। सब हम बताना चाहते हैं जो लोगों की बेहतरी के लिए काम करेगा उस कैंडिडेट को आगे लाना चाहते। आवाम के हाथ में फैसला है जनाब, नए चेहरे को हम सपोर्ट करना चाहते। तो जो मतलब तो अगर मुश्किल कहेंगे, प्रॉब्लम कहेंगे या जो मसाइल कहेंगे, क्या मसाइल आप समझते हैं कि जो दरपेश है लोगों को? अभी मसाइल बहुत सारे, गरीब आवाम के, मजदूर के बहुत मसाइल है, रोड के मसाइल है, बिजली के मसाइल है, पानी के मसाइल है, रोजगार की बहुत कमी है, रोजगार नहीं लोग के पास। दूसरी बात ये हमारे बहुत सारे मसाइल है, स्कूल में उस्ताद नहीं है, हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं है। इसी पर हम वोट करेंगे, जो ये काम करेगा उसी। माहौल कैसा है इलेक्शन को लेकर, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 18 सितंबर को, उसके लिए क्या तैयारियां हैं आपकी, किस किस्म का आप कैंडिडेट चाहेंगे, क्या चाहेंगे आप कैंडिडेट? जो वही जो बदलाव आएगा, जैसे काम सब करे, स्कूलों में भी अपने भाई साहब ने अभी बोला है कि जैसे स्कूलों में भी अभी कोई उतना लेन देन हिसाब नहीं है, जैसा बच्चों को पढ़ाई देनी है सीधा, ना कोई आता है उधर, रोड का मसला है, रास्ते का मसला है, पानी का मसला है। तो बस यही हम अपने ही चेहरे को सामने लाने, आगे लाने, उनकी कोशिश करने की वोट अभी को दी जाए। तो बाकी जो पब्लिक पे ही सारा डिपेंड है, तो जहाँ सभी कोशिश करेंगे कि कोई अच्छा सा ही चेहरा चुनेंगे जो पानी हाल का मसला हल करेगा। आपका जो आपके अगर इलाके की बात करेंगे, आपके इलाके में किन मुश्किल का सामना है, अगर आपके अपने इलाके की अपनी पंचायत की बात करेंगे तो कैसी क्या क्या मुश्किल है जो महसूस करते हैं? रोड का मसला सर, रास्तों का भी मसला है, रास्ता भी नहीं है, रोड भी नहीं है। तो बाकी स्कूलों पे भी, स्कूल पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो पूरा उतना जा रहा, और बेरोजगारी भी है, ध्यान भी नहीं दे रहा, तो यहाँ खाली बस वोट का ही और क्या होता है, इनको वोट का मसला है, बाकी चले जाते हैं, ना कोई पूछता है ना कुछ। तो चाचा आप कहाँ से, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक वानी। रफीक साहब, जो आज का इलेक्शन होगा, इसमें आपका क्या नुकते नजर होगा, किस तरह के कैंडिडेट को आप पसंद करेंगे, और जो माहौल है इलेक्शंस के हवाले से वो कैसा है? हम बदलाव चाहते हैं सर, बदलाव आना चाहिए, क्योंकि हम, मैं रामपुर में रहता हूँ सरबगरी में, अरसा 20 साल से हमें रोड नहीं मिल रहा है सरबगरी में, बहुत दूर हाई सेकेंडरी, हाँ हमें रोड नहीं मिल रहा। डीका रसूल साहब हमारे MLA रहा, इसने हमें बदनजर किया वहाँ से, क्योंकि हम बदलाव चाहते हैं, विकार रसूल ने हमें बदनजर किया, पूरे रामसू में, सरबगनी रामसू अहमा दरदही में कोई रोड नहीं है, कोई नहीं है। तो मेहरबानी करके हम यही आपस में मशवरा कर रहे हैं, हम अपना कैंडिडेट अपनी पसंद का नुमाइंदा बनाए। शुक्रिया जी। माहौल कैसा है इलेक्शन के, माहौल को कैसा देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं आप आई का जो इंतजाम होने वाले हैं? जी मेरा नाम अब्दुल वहीद है, मैं डरनियार में रहता हूँ। माहौल बड़ा अच्छा है, कोई वैसी परेशानी नहीं है, माहौल बड़ा अच्छा है, मगर हमारे को बदलाव चाहिए। ये कांग्रेस को हम वोट नहीं देंगे, मैं NCP को हम वोट देंगे, हम देंगे जब देंगे BJP को वोट, BJP यहाँ पे बदलाव लाएगी और कोई यहाँ पे बदलाव नहीं ला सकेगी, चाहे NCP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे PDP हो, चाहे कुछ भी हो, कोई यहाँ पे बदलाव नहीं ला सकेगा। ला सकेगा तो BJP ला सकेगी बदलाव, क्योंकि क्योंकि अच्छा बनता है, कैंडिडेट अच्छा है। अगर आपको प्रॉब्लम्स कहेंगे तो वो कौन सी प्रॉब्लम है जो आप, जो सबसे ज्यादा है आपकी पंचायत में? नहीं, हमारी पंचायत में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पानी की, रोड की, कि अगर हमारे को कम से कम 10 साल हो गए रसूल साहब को रोड मांगते मांगते, रोड हमारे को अभी तक मैं कुल 1 या 1.5 किलोमीटर रोड नीचे उतारना, मगर रोड हमारे को नहीं आया। कम से कम 10 साल से हम ट्रांसफार्मर लगाया, 5-6 साल हो गए ट्रांसफार्मर लगाया, पोल नहीं दे रहा है, पोल वहाँ पे नहीं था, 7 पोल लगाने, 7 पोल तक उन्होंने वहाँ पे नहीं लगा सके थे, वो 7 पोल नहीं लगा सकते थे कांग्रेस के दौर में, हमारे को 7 पोल नहीं आए। आप मुझे लीडर हैं और एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन का बहुत माहौल गर्म है, तो आप आगे चलकर किस तरफ जा सकते हैं और थोड़ा माहौल पर बात करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका नकद देने का, माहौल अच्छा चल रहा है,
जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में बदलाव होता है, हर कैंडिडेट को 5 साल के बाद मौका देना चाहिए। और जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाल, हमने कई सालों से कांग्रेस को यहाँ से कैंडिडेट दिया और इस मजलूम कौम ने उनको वोट दिए। चाहे कांग्रेस का लीडर हमारा विकार रसूल साहब आज गांव गांव में जाके लोगों से वोट मांगते हैं, हम कहना चाहते हैं कि ये किस मुंह से जाके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और वोट मांग रहे हैं। आप देखिए रोडों की हालात, मेरा रोड ठंडी छा का 70 साल से वहीं पड़ा है। जब भी इलेक्शन आता है उसी वक्त बोलता है विकास साहब बस कल मशीन आएगी, जब वोट लेकर 5 साल के बाद वहां कोई किसी के साथ कोई बात नहीं करते, चाहे वो DDC है, TDC है या MLA है, कोई भी है। हम सीमा खोल के कहना चाहते हैं कि अगर हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जब वोट मांगने के लिए जाते हैं सीमा खोल के जाते हैं, हमें MC कांग्रेस और PDP नहीं देखी। चाहे वो आप मकान ले लो, चाहे आप श्रम कार्ड ले लो, PM किसान 2000 ले लो, गोल्डन कार्ड ले लो। जब पहले कांग्रेस की सरकार और MC की सरकार जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला था, उस वक्त अगर कोई बीमार हो जाता था गांव में तो गांव वाला जाते थे, कोई बड़ा होता था गांव में उसको एक अफीम दे के 10,000 के लिए 10 बार उसके पास जाना पड़ता था। आज BJP सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हाथ फैलाना है तो अल्लाह के आगे फैलाना है। मोदी ने जो स्कीम निकाली गरीब आवाम के लिए, वो बहुत अच्छी स्कीम है। गोल्डन कार्ड से ले लो, बहुत सारे ऐसे हैं। राशन देख लो, यहाँ पे आजाद साहब ने 3 महीना राशन दिया था, अभी भी लोग उसके गीतगार हैं। इस सरकार भी आप देखो 5 साल तक फ्री राशन है, अगर 2030 तक फ्री राशन मोदी सरकार ने किया। और हम कहना चाहते हैं आप मजलूम कौन को कहना चाहते हैं, ये MC और ये कांग्रेस और ये PDP खाली लोगों को वादा करती है, झूठा वादा है उनका। जैसे यहाँ कांग्रेस ने किया वैसे MC वाले भी करेंगे। आप इस बार मोहम्मद सलीम भट्ट को यहाँ से कामयाब करो, वो आप लोगों की गरीबों की कामयाबी है। आप 10 साल से भारतीय जनता पार्टी मरकज में हुकूमत चला रही है, उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नाकाम हुई उन कामों की? नहीं, सर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे काम यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में हुए, आप तो देखते ना इस चीज को, अब टूटे फूटे काम कहीं फंसे हैं रुके हैं, वो यहाँ के लीडर की वजह से, वो यहाँ के DDC की वजह से। आप इस चीज को जाना ना, आप इस चीज को देखो, जब मोदी सरकार ने ये क्या बोलते हैं मकानों की स्कीम निकाली, उसने ये कांग्रेस वाला तो नहीं देखा, MC वाला तो नहीं देखा, वही अपने वर्कर को दिया, वही कांग्रेस के वर्कर को भी दिया। गोल्डन कार्ड तो 2011 का बना हुआ है, तब कांग्रेस सरकार थी, लेकिन वो खास बंदा जो कांग्रेस का चमचा था, कांग्रेस का वर्कर था, उसके लिए था, बाकी किसी गरीब के लिए गोल्डन कार्ड नहीं था। मेरा नाम मीर हुसैन है, मेरी जात है बड़ा, मैं नावकोट 26 अपर भी और 3 नंबर वार हमारे खावड़े में है। ये चौधरी पीछे खड़े हैं ना, ये सही बात इसने कहा, जब से कांग्रेस ने 75 साल हुकूमत की, मगर हमारे लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज किया। हमने इसने हमारे साथ वादा लिया, जो ये मरगुजारों की फंडस आ रही है इनको हम देंगे डंगा, कोई डंगा नहीं देखा, पानी देंगे कोई पानी हमने नहीं देखा, 90 रुपया बिजली की फीस था। उस वक्त का लोगों के पास गरीब लोग खाने के लिए रोटी नहीं थी, पसमंदा इलाका है, परफानी इलाका है, तो वहाँ वो नहीं मुका सके। फिर निकाला इसमें 300, फिर 250, फिर निकाला 450, आज हमारी बिल आ रही है 800 रुपया। मलाई ने कमर तोड़ दिया हमारा, जिसका कोई सुनवाई नहीं है कहीं, अगर 5 साल आता है ना हमारे घरों में, उसके लिए BJP को जिम्मेदार ठहराया जाता है, गवर्नर इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया, मगर लागू इसे नहीं किया ना इसकी गवर्नमेंट में हुआ वकार साहब की। 10 साल इलेक्शन नहीं हुए, 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए, मेरा मतलब उसके बाद नहीं ना हुआ इलेक्शन, उसके बाद अगर कोई किसान रुपया आया तो मोदी साहब ने दिया, अगर थोड़ा दिया जो कुछ दिया मकानों का दिया, ये शायद हुई मेरी बच्चियां ही सब चढ़ी, मुझे बाथरूम ब्लॉक का आज तक नहीं दिया, ठंडी छांगा रोड 75 साल के लिए बोला हम देंगे 75 साल से, ये बाद में आया, हमारा कुछ नहीं हुआ, निका हमारा अपना आया, हमने खुशी की, मुल्क रशीद के साथ जाना पड़ता था उधर, अब हमारा कैंडिडेट अपना है, तो अगर हमें नजरअंदाज किया गया सर। 2 साल पहले हमारे चीफ सेक्रेटरी ने बोला कि तमाम जो 6,666 गाँव है जम्मू कश्मीर के, उनको बाथरूम दिया गया, यानी लेटरिन पॉइंट दिया गया है, लेकिन हमने खुद देखा कि बहुत सारे बावा है, आखरन है, शाबिन बास है, रतन बास है, गुजर इलाकों में नहीं मिला है ये।
तो इसमें आप क्या ब्लास्ट का भी मानते हैं, उनकी भी कोताही रही, कोताही रही इसमें? तो आप देखते हैं, आप पढ़े लिखे आदमी है बाहर के, जरा मेरे सिर्फ बच्चे ही, मेरा लड़का कोई नहीं, ना मैं कोई लेक्चरार हूँ ना कोई, मैं एक मजदूरदार आदमी हूँ। आजकल कांग्रेस का इससे आगे भी दबदबा रहा, आज भी कह रहे हैं, मगर आज घर घर जाकर कहते हैं हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। आज तो वोट भी हमारे बच्चियों की लिस्ट भी आई है, सबों की आई है, एक घर के 10 वोटें, 4 वोटें, 20 वोटें, एक वोट से है ना जाट ही। मेरा मतलब ये है जरूरियत, इसमें बच्चा भी बोल सकता है, मगर सर हमें नजरअंदाज किया गया, हमारी सड़क थी, हमारे घर जल गए, वहाँ पानी नहीं मिला हमें उसके बुझाने के लिए, यहाँ के गए, यहाँ थोड़े दूर है हमारा इलाका, बहुत भारी बस्ती है वहाँ, मगर जनाब हमने हर वक्त अंदाजा, हमें उसे को देंगे, चाहे वो बीजेपी है कोई भी है, जो हमारे सुनवाई सुनेंगे, जो हमारा जो मुद्दा है वो सुनेंगे। किसको वोट करना चाहेंगे आप? हम तो मोदी ने दया करते, मोदी ने दे देंगे भाई। वैसे वोट तो मोदी को देंगे हम, मोदी ने हमारा काम तो किया है, हमारे दो तीन काम है, हमारा घर भी बनवाया है मोदी ने, 2.5 लाख रुपए आए हैं, गलियां हमारी पूरी बस्ती की पूरी गलियां बन चुकी हैं, मोदी सरकार में ही बनी है, कांग्रेस सरकार ने हमारा कोई काम नहीं किया। 15 साल हमने वोट दिए कांग्रेस सरकार को, हमारा एक काम भी नहीं बना कांग्रेस सरकार में। अभी देखो सर, अभी तो कोई सलाह नहीं है, अभी तो ये देखो इसकी टिकट किस पे आएगी कांग्रेस वाली, उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं सर जी। क्या कहना चाहोगे आप? वोट तो बुबली का है, चक्की में कर दो, बुबली ने काम इतने करा रखे टुआना में बेहद तो ज्यादा। आप क्या कहने हैं? बुबली के बगैर कहीं रास्ता नहीं है, बीजेपी तो जो बीजेपी का सिस्टम है ना, उससे बाहर हम जा नहीं सकते। क्या लग रहा अंकल जी, इस बार सियासी माहौल किस तरफ है? देखो जी, सियासी माहौल अभी कुछ भी नहीं पता लग रहा, गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ कैसी भाई? अभी तो टिकटें बटेंगी तो पता चलेगा जी सियासी माहौल का, अभी सियासी माहौल का कोई पता नहीं लग रहा। किसका क्या सका जी, दोनों को बराबर है जी। किस किस का बराबर है? कांग्रेस का भी, उसका भी, बीजेपी। आज का जो इलेक्शन का माहौल है उसे किस तरह आप देखते हैं, क्या समझते हैं आपकी, किस तरह आगे चलकर जो ये चोरी होगी, कैसे लोगों में जोश और खरोश है, इस बारे में थोड़ा बताएं। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग इस बार मोदी ने पूरा मन बना लिया, हम बदलाव करेंगे, फिलहाल में हम टोटल क्लेम करेंगे इस बार फाइनली बदलाव। इस बार मैं तो यही समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी इस बार। जो आपके गुजर जो बस्तियां हैं बहुत मुश्किल में है, सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, स्कूलों में उस्ताद नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, रास्ते नहीं है, हर महकमे ने इनको मतलब बिल्कुल नजरअंदाज किया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी हुकूमत रही, पीडीपी की भी रही, कांग्रेस की भी रही, लेकिन उस जमाने में भी आपको बुलाया गया, आपको कोई तवज्जो नहीं दी गई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक स्कीम निकाली थी आर्य की, जहाँ पे आर्य की एक टीचर लगता था गाँव का, वो तो मुफ्ती सईद बोल रहे हैं हमने निकाली। सुनिए ना सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो स्कीम थी, उमर साहब ने स्कीम को लॉन्च किया था, आपकी स्कीम को अगर कहीं पर एक टीचर रिटायर होता था उसकी जगह उसी गांव का डिस्टेंस सर्टिफिकेट लेके मजिस्ट्रेट ऑफिसर तहसीलदार साहब से उसी गांव का लड़का लगता था। इस पिछली जो सरकार मौजूदा सरकार चल रही थी, गवर्नर इंतजामिया समेत, उन्होंने पहले सबसे पहले उसको खत्म किया। हमारे हर इलाके में जो टीचर रिटायर हुआ, जो टीचर मर गया, वो सबसे पहले आपने गांव की बात लेते हैं। हमारा तहसील गिरी साहब का इंतकाल हुआ, आप भी बाखूबी जानते हैं, उसकी जगह कोई लगा नहीं। शरी मास्टर मोहम्मद सुल्तान का इंतकाल हुआ, उसकी जगह कोई लगा नहीं। जहाँ पे 8 टीचर थे जिस स्कूल में, उसमें अब 2 है, 108 बच्चे हैं। ऐसी चीजों को जो बुनियादी सहूलियात लोगों को पहुंचती थी वो इस दौर में खत्म हो गई। बेशक बीजेपी ने काम किए, गोल्डन कार्ड बनाया, शुक्रिया, कुछ चीजें बनाई, लेकिन जिस जो लोगों को जरूरत थी, जिस चीज से जहालत खत्म होती है, तालीम को इतना डाउन कर दिया बीजेपी दौर में, इस दौर में इंतजामिया दौर में तालीम को इतना डाउन किया, क्यों किया? ताकि ये लोग अनपढ़ जहल रहे और लोगों को जासू लगा के दिखे, इसलिए कमजोर करने की कोशिश, वरना इतनी तालीम की जरूरत है। मैं कहता हूँ हम लोगों के बच्चे बहुत ज्यादा अनपढ़ रह गए इस दौर में, और लोग बदलाव चाहते हैं और लोग बदलाव करेंगे इंशाल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सब सीटों पर कामयाबी देगी।
ये सब भाइयों ने जो तो बात की इसमें एक गुजरनी देखने है कौन, हमें इतना पता है हमने एक नुमिंदा चुना हुआ था हमारा बेकार उसको, उसने कहा तो राहुल गांधी जी आया उसने बोला मैंने इतने बीज दिए गाँव में, तो आप खुद चले आप बीजों का हालात देखा क्या, ये उस भाई ने कहा देखिए हमने आकर देखा ही नहीं थी, मगर हकीकत तो बेकार हुई रसूल ये बता दे हमें, हमें इतना पता था कि ये हमारा नुमाइंदगी करेगा, हमें ये नहीं खबर जहाँ भी गुजर का एंड शुरू गांव का कश्मीरी गांव का होता है वहां से गुजर का खाता बंद, चाहे रोड आए तो गुजर का खाता वहां बंद, किसने किया वो वो देखो साहब ने किया रोड तो आपका पिछले दिनों आया विकास सिंह को 10 साल से तो 10 साल से हम रोड में बता रहे थे ना मौजूदा रोड आपका जा रहा है उसको किसने बंद किया उसने उसको किसने कश्मीरी के गांव से जाने की इजाजत तो कश्मीर में नहीं जाने दे रहे सबों ने, अब हम किसको टारगेट बताया था इसने किया, अगर बेकार हमारा नेता अमेले चुना हुआ नमीता था वो उसने पैर नहीं कर सकते थे वहाँ 250 में 200 में हम उसको नुमाइंदा हर वक्त भेजते थे, क्या वो हमारे एक बार नुमाइंदा सुनवाई नहीं किसी नुमाइंदे में, हम सब गुजर जहाँ के हैं धर्म से धर्म होकर रहेगी हमने हरानी होगी मतलब कुछ नहीं कुछ नहीं सामने सामने की बात आप खुद ही चले देखे लोगों को कहीं भी गुजर ऐसे मेरा तुम्हारी ओर है इसे क्या गुजर के मेरा तुम्हारा रास्ता है गुजर के मेरा कहीं बिजली है गुजर को देखो कहाँ का लेकर उसको गुजर को भी 500 रुपया भी ला रही है उसको 500 रुपया गुजर को भी ला रही है 500 रुपया एक बल्ब जलाया था 500 रुपया भी उसकी आ रही है वो भी सोच रहे आप खुद ही देखो सर हम बदलाव ये देखना चाहते हैं जो हमारा एसटी है हमारा एसटी आज पहले भी पीछे रहा और आज भी पीछे रह रहा हमारा एसटी अलग 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 हो रहा कोई अलग पार्टी में जा रहा है कोई एनसी में चले गया कोई कांग्रेस में चले गया और कोई बीजेपी में चले गया कोई पीडीपी में चले गया हमें आज एक होने की जरूरत है और आज हमें एक होने की जरूरत है हर जगह काम हो गया लेकिन एसटी किसी गाँव में भी आज तक काम नहीं हुआ हर जगह रोड चलेगी और एसटी जहां एसटी कम्युनिटी थी वहां वहां रोड आज तक भी नहीं कहीं पहुंचा नहीं ना हमारे कोई मकानों का काम हुआ ना हमें कोई आज तक बाथरूम मिले ना हमारा आज तक कोई भी काम नहीं हुआ कोई पंचायत का काम नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ और आज हम उसी कैंडिडेट को आज हम उसी नॉमिनेट को सपोर्ट करेंगे जो हमारे ये काम करेगा और जो हमारे साथ जो एसटी के साथ रहेगा उसी के साथ आज हम खड़े हैं और आज उसी की हम सपोर्ट करेंगे तो बस बाकी थैंक यू जो एसटी है जो की गुजर बस्तियां में तमाम डोडा डिस्ट्रिक्ट की एसटी बस्तियों में गया हो तमाम इलाकों में गया हो डोडा भद्रवा किश्तवाड़ रामबन बनिहाल किसी भी जगह इस कौम की हालत ठीक नहीं है ना किसी रास्ते है न स्कूल है न टीचर है न अस्पताल है अगर कोई मुलाजिम है भी वो अपना वक्त गुजारी करता है कोई तवज्जो बच्चों पर नहीं देता है इसी तरह जो मुलाजमीन है वो भी आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं जैसे यही जो हर घर शौचालय बनाने का कहा गया ताकि एक लैट्रिन पॉइंट दिया जाएगा लेकिन मुझे फंसते हैं उससे भी मतलब उसको भी ये फायदा नहीं मिला तो इसके लिए किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं किस तरह का आपके हमारी हर जगह जहाँ भी चले जाओ एसटी की हर जगह तबाही एसटी का आज तक कोई भी काम नहीं हुआ जहाँ यहाँ अगर हॉस्पिटल में मुलाजिम लगे जहाँ भी मुलाजिम लगा एसटी का एक बच्चा कहीं भी नहीं लगा नहीं उसमें पढ़ाई क्यों नहीं है हर गांव में पढ़ाई है अभी वो एसटी के बच्चे नहीं रहे अब एसटी के बच्चे अच्छे हैं अब पढ़ भी रहे हैं जगह जगह पढ़ भी रहे लेकिन कहीं भी नहीं सिलेक्ट हुए और हर जगह देखो जिस किसी भी गांव में चले जाओ हमारी कौम का हमारी जो एसटी है इसका हर जगह तबाही है ना हमारे कोई स्कूलों की परेशान है ना हमारी कोई डिस्पेंसरियों की परेशान है ना हमारी कोई सेंटरों की परेशान है ना हमारे कोई रास्तों की परेशान है जो हमारे गिने चमचे थे जो हमारे एसटी के उन्होंने अपना अपना किया और कोई गांव का काम नहीं किया और आने वाला हमारी जो सपोर्ट है एसटी की जो तमाम एसटी की जो सपोर्ट है हम सपोर्ट उसी को करेंगे जो एसटी के साथ पे पूरा कांधा लगा के खड़ा रहेगा और आने वाली सपोर्ट इशारा जो अच्छा काम करेगा हम उसी के साथ खड़े हैं कैसा माहौल आप देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं आप इलेक्शन को लेकर लोग देखो जी लोग फायदे के मालिक हैं जिन्होंने नेशनल से फायदा उठाया है वो नेशनल को जा रहा है
उन्होंने कांग्रेस को फायदा उठाया है, वो कांग्रेस को जा रहे हैं। ये लोग जो बनते हैं ना, ये इनके पास दो पेड़ होते हैं, एक होता है वर्करों के लिए, एक होता है आउटडोरों के लिए। यहाँ से फोरवे का रास्ता गया जी, फोरवे का रास्ता गया जी। 2008 में नेकार साहब ने कहा ये आपका हक है अशर वालों, आपके लड़के भी लगा दूंगा और आपको कंपनी से फायदा भी दिला दूंगा और मालदा भी अच्छे रेट में दिला दूंगा। बाद में हमारे टेक्निकल लड़के दरबदर कर दिए, जमीन फोरवे को जाकर दरबदर कर दिए हमारे लड़कों को। 3 साल का डिप्लोमा था लड़के को, ओटी टेक्नीशियन का, यहाँ पर मुफ्त काम कर रहा था हॉस्पिटल में। डीएमओ साहब इकबाल साहब जी, उन्हें बताया आपका लड़का यहाँ पर काम कर रहा है मुफ्त में, इसको एजीएफ से थ्रू लगा देंगे हम, एजीएफ थ्रू। एजीएफ का चेयरमैन वकार साहब है, वकार साहब ने लिखा डीएमओ वानी हाल फॉर इम्पॉसिबल। क्या बताया, फॉर इम्पॉसिबल। ऐसे ऐसे काम ये करते हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने जब 75 से सीट बनाई यहाँ पर मुफ्त में, उसको सीट दे दी सईद मीर कासिम ने। फिर 2 साल ऐसे ही रहा, 77 में फर्स्ट इलेक्शन हो गया। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपने वर्करों को जो उनके अनपढ़ लड़के थे और बेकार लड़के थे, उनको कहीं डिपार्टमेंट में दबाए और जो हमारे धाम ने डिप्लोमा किया था और मैट्रिक पास किया था, हमें डिलीवर कर दिया। हमें कहाँ से पेंशन मिलता है, हम देख रहे हैं कहाँ से हमें पेंशन मिलता है, कहाँ से राशन मिलता है, कहाँ से हमारी लड़की को पैसा मिलता है शादी करने का, कहाँ से हर कोई सहूलियत हो जाती है। यही है हमारे, हम बदलाव लाएंगे इंशाल्लाह रहमान। इलेक्शन के हवाले से क्या करेंगे आप, क्या होना चाहिए? जी, मेरा नाम चौधरी मुजम्मिल सिंह, मैं यहाँ तहसील बनिहाल का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हर गरीब के, हर आदमी के पास जा जाते हैं, उनकी राय लेते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इस बार लोगों ने एक मन बना लिया है कि लोगों ने बदलाव लाना है। जिसके मुंह से भी सुन रहे हैं वो यही चाहता है कि बदलाव आना चाहिए और आना भी चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे हमारे MLA जो पिछले 2 बार जीते हुए विकार सुरवानी, उन्होंने अगर देखा जाए तो वैसा काम नहीं किया जैसा वो वादा कर रहे थे। आज भी हमारे जो गुजर बस्ती है वहाँ पे ना कहीं रोड है, ना कहीं बिजली है, ना कहीं पानी की फैसिलिटी पूरी है। लेकिन अब इंशाल्लाह लोगों ने सोच लिया है कि लोगों ने बदलाव लाना है, और इंशाल्लाह इस बार हम बदलाव ला के रहेंगे और इन लोगों को दिखा के रहेंगे कि जो आप लोगों ने वादे किए हैं दूसरे लोगों के साथ, उनको पता चलेगा कि हमने पूरे वादे किए हैं, हमने उन पे जो वादे लोगों के साथ किए हैं उन पे काम नहीं किया है, उनको पता चलेगा और इंशाल्लाह इस बार बदलाव हो के रहेगा, कोई तब्दीली नहीं हुई। तो क्या आपने वक्त पर आवाज नहीं उठाते हैं, जैसे जो हुकूमतें मुख्तलिफ आती गई तो उनके सामने आप अपने मसाइल को नहीं लाते? अगर देखा जाए तो हर दिन दिन ब दिन बदलाव आता जाता है। हम लोग हर किसी चीज से, हर किसी लिहाज में पीछे हैं, खास करके गुजर लोग। अगर पढ़ाई के लिहाज से देखा जाए तो बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमें वो फैसिलिटी नहीं मिलती है जो बाकी लोगों को मिलती है। जो यहाँ पर शहरों में जो फैसिलिटी मिलती है वो हम लोगों को नहीं मिलती है। अगर हम किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते तो हमें रोड नहीं मिलती, अगर हम रात को लेट तक पढ़ते तो हमें लाइट नहीं होती, और अगर हमें कहीं अच्छे कपड़े किसी भी चीज के हम पीछे रहते हैं, हमें पानी नहीं होता है, हमें लाइट अगर आती है 2-3 घंटे लाइट आती है, बाद में लाइट भी कट जाती है। रोड में अगर हम स्कूल जाना चाहें, अगर हम बाहर कहीं पढ़ने जाते तो मैं खुद पढ़ता था, अगर मुझे रोड होती तो मैं अनंतराम में जाके मैंने एडमिशन लिया था, मैं वहां पढ़ता था। और मैं रोड न होने की वजह से मेरे कॉलेज में अगर महीने में मैं 8 या 9 दिन जा पाता था सिर्फ ट्रेन के मिस होने की वजह से। और अगर हमें भी रोड की सहूलत होती तो शायद मैं भी इस टाइम कहीं ना कहीं रोड में जॉब कर सकता। लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम लोग सिर्फ, अगर हमारे कंधे पे कोई भी बनिहाल का नेता ऐसे कर देगा तो बस हम बोलेंगे कि मेरे बराबर कोई बड़ा आदमी नहीं है। लेकिन इस बार इंशाल्लाह हम लोगों ने सोच लिया है, भरपूर बनिहाल के जितने भी गुण शुंगलदान सुंबर जितने भी लोग हैं, सब ने ये अपने मन में ये फैसला बना लिया है कि इस बार बदलाव आके रहेगा, और इंशाल्लाह 4 तारीख को पता चलेगा कि बनिहाल में क्या बदलाव आया है और पूरे जम्मू कश्मीर में बदलाव आएगा इंशाल्लाह।